आज है फोर्थ सैरी, आप सबको बहुत मुबारक। और अभी बज रहा है 4:15 और मैं लेट हूँ क्योंकि मैंने आटा गूंदना भूल गई थी रात में, तो अभी किया मैंने। और मेथी भाजी बना रही हूँ, जो मेथी भाजी भी मैंने कहाँ रख दी थी, भूल गई थी और अभी मिली है मुझे, तो मैं अभी बना रही हूँ। वो तो 2 मिनट में बन जाएगी। और यहाँ आया उठ नहीं रहा है, उठा के थक गई हूँ मैं, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ शहरी के टाइम पर। ये देखो, अरे अरे दिखाओ दिखाओ, इतना फैशन लगाया हो तो दिखाओ दिखाओ। चकमुंडा बन के आया है ये, क्या बोलना चाहिए, वो क्या था बाहुबली में कटप्पा मामा बना है। देखो महान नयान मामा को कटप्पा मामा बोलना से तो हो गई है दोपहर। और वजू करके आई हूँ, बज रहा है 2:15। आज बहुत देर तक सोई हूँ, 1 बजे तक सोई हूँ क्योंकि है ना वही रात में फिर जागी थी मैं। यहाँ देखो अमीना का भी हो रहा है, यहाँ अमीना की भी झाड़ू निकल रही है, आज उसका भी लेट हो गया। कोई बात नहीं, होता है। और किचन ज़्यादा मैसी नहीं है आज, थोड़ा है। और मैंने प्रिपेयर कर लिया कि क्या बनाना नहीं बनाना है। और धूप बहुत अच्छी निकली है क्योंकि 2 दिन बारिश हुई है, तो धूप अच्छी निकली है। चलो अब जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं और कपड़े घड़ी करने के हैं। नमाज पढ़ के फिर थोड़ा सा पारा भी ख़त्म, एक ख़त्म में है शुरू करना। क्या हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, बज गए हैं और 4:15 बज रहा है और मैं आ गई किचन में। मैंने सुबह बर्तन नहीं धोई थी तो वो पड़ेगा, अभी मैं धो लूँगी। और यहाँ मेदू वड़ा का वो कर रही हूँ, पैटर्न रेडी हो गया है। और यहाँ वो कल की चटनी है जो आज मैं बना रही हूँ, रगड़ा पैटीज, तो उसमें भी लगेगी। और ये ऊपर गार्निशिंग के लिए। और यहाँ अमीना का बन रहा है चीज़ सैंडविच, उसका है ये। और क्या, यहाँ रगड़ा थोड़ा सा बाकी रह गया था, सुबह गलाया था मैंने तो वो गला नहीं था, थोड़ा सा और 2-3 सीटी की ज़रूरत है तो ये हो जाता है। और फिर हम लोग आ गए हैं किचन में, चलो तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। मेरी टिक्किया बन रही है, टिक्किया एक साइड धो रहे हैं। और यहाँ बर्तन धुल चुके हैं, आप यहाँ जमा देगी। और यहाँ देखिए मेरा रगड़ा भी रेडी है, रगड़ा। और सब सब रेडी है। वो चीज नहीं मिली मगर ये वाली चीज। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए तैयारी हो रही है, अमीना के चीज सैंडविच बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी, और मैंने देखो आलू के पकोड़े निकाले, उसका बेसन बच गया तो ये बूंदी निकाली है जो भी मेरे आलू पैटीज में काम आएंगे। और ये भाई के लिए दही बड़े बनाए हमने थोड़े से, कल मेरे को मिले नहीं थे। और चलिए अब लगते हैं रगड़ा पैटीज की डेकोरेशन में। 6 बच्चों का है, जल्दी जल्दी करना है, सारे में बैठे हैं, अपने दस्तर भी लगाना है। मिलते थोड़ी देर से, अरे अपना नहीं है। देखो दोस्तों हमारे अमान भाई लौट आए। क्या देखो दादी के पास? हाँ तो क्या हुआ? तो अभी पीठ में खुजली होती, मच्छर काटते तो जो चीज कंगी वंगी चम्मच छुरी जो आती काट खुजा लेते। क्यों मान? मैंने बुलाई, मैंने बुलाई दो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं बुलाई फ्रेंड्स क्योंकि ना मेरा ना वो उसने मुझे टाइटल बना के दिया था ना, जो भी मैंने डाला पिछले वाले जो अभी गया है मेरा 3rd सैरी का 3rd रोजे का व्लॉग, जो उस पर जो टाइटल और क्या बोलते हैं पीछे का सब्सक्राइब कीजिए वाला, तो उसने मुझे कल ही बना के दिया। और वो ना
पता नहीं मुझसे मिसप्लेस हो गया था या उसी से हो गया था, तो उसी लिए मैंने उसको बुलाया था। जब भी आया था वो रोज़ा खोलने के टाइम पे, मगर वो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं रुका, ऐसे आया और चले गया। फिर वापस बुलाया मैंने आयान को भेज के, तो इसलिए आया है वो और चले गया अपने मम्मी पापा के पास वापस। यहीं रहता है, थोड़ी दूर में ही रहता है, मगर हमारे ही पास रहता था। अभी तो अच्छा लग रहा था 2 महीने से। वहाँ देखिए मेरे आधे कपड़े धुले, आधे नीचे पड़े, कल दूंगी, कल जल्दी लगा दूंगी। चलिए अब मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ ईशा की, वो एडिटिंग करने बैठी थी तो लेट हो गया, जाती हूँ नमाज पढ़ती हूँ। दाल सांभर इडली भेजी थी उसकी मम्मी ने अमान की, मेरे भाई भाभी ने भेजे थे, भाई ने बनाया था सांभर, तो बड़ी खुशी खुशी भेजा था, दोनों ने मिलके बनाए थे, तो सांभर रखा हुआ है तो हम लोग उसी से चावल खा लेंगे, पापड़ वापड़ तल के, तो देखते रात का खाना। और मैं रात का खाना नहीं डाल पा रही हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, और एंड भी नहीं बोल पा रही हूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में ये वो, क्योंकि है ना फिर इतना गड़बड़ हो जाता है और फिर ऐसी नींद आती है क्या बताऊँ। पर नींद आती है, पर बिस्तर में आओ तो नींद चली जाती है। 2 रात से उसमें सोई नहीं थी, सुबह फजर पड़ने के बाद ही सो रही थी। आयान मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये डिस्टर्बेंस रहता है बच्चों का ना, हर जो लेडी है ना घर में व्लॉग बना रही है उनका यही प्रॉब्लम है। सुबह पापा न्यूज लगा के बैठ जाते हैं, बीच बीच बच्चे मोबाइल लेके भाग जाते हैं, अब अभी देखो पापा का मोबाइल मिला तो बाजू में बैठा गेमिंग लगा के, और डिस्टर्ब होता है। व्लॉग बनाना वाकई आसान नहीं, मैं देखती हूँ ना दूसरे ब्लॉगर्स को, बेचारी वो लेडीज बोलती है ना ब्लॉगिंग करना कोई मामूली बात नहीं है, फिर एडिटिंग करना, ये करना वरना, वाकई वाकई जो मैं रेगुलर नहीं बना पाती हूँ ना, ये यही वजह है कि मैं या तो कैमरा नहीं ले पाती हूँ, या कोई आ जाता है तो कैमरा लेके घूमना और काम करना नहीं होता है, और फिर उसके बाद में एडिटिंग का वक्त फुर्सत का कम से कम 1-1.5 घंटा होना इंसान को, जब व्लॉग मतलब एडिटिंग कर पाता है इंसान, एडिटिंग में क्या डालना नहीं डालना, कहाँ पर वॉइस ओवर करना, कहाँ पर क्या कट करना, सच्ची में बहुत सर दर्द है। मतलब सीखने में ही मेरे को कई जमाना लग जाता है, वो अभी जो वो पेस्ट करना है ना उसको, जो उसने मुझे बना के दिया है टाइटल वगैरह, वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे आ रहा है बीच बीच में, वो सब मुझे इससे पहले सिखाया था, खालिद भाई ने भी सिखाया था, इसने भी सिखाया था अमान ने, पर मेरे दिमाग में ही नहीं घुसता 1-2 बार में। अभी फिर उसने मुझे कितने दिनों से है ना, तो मेरे को 2 से 3 बार सिखाया है, कल फिर लास्ट बार और सिखाया है कि ऐसे से ऐसा करना पप्पी तो ये आ जाएगा करके। अब आया है मुझे थोड़ा सा वो वाला स्टेप, ठीक है, एक एक स्टेप सीख रही हूँ। फ्रेंड्स मेरे ऐसे नहीं होता, मुझे याद भी नहीं रहता, उन लोग सिखाते हैं ना तो मेरा दिमाग है ना उस वक्त फ्री नहीं रहने की वजह से, मेरा दिमाग वो एक्सेप्ट नहीं करता उन लोग जो भी कुछ सिखाते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी अभी आयान को कंप्यूटर सिखाऊंगी ना, लगाती हूँ अमीना और आयान को साथ में, और अभी तो देखिए बेसिक सीखेगा और उसके बाद में एडिटिंग का सिखाऊंगी सबसे पहले, तो कम से कम 6 महीने लगेंगे उसे एडिटिंग सीखने को। खालिद भाई बोला मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं है, अगर बच्चा फ्री रहे तो सीखे ना, हम 10th तक के तो इंसान दिमाग खराब हो जाता पढ़ाते पढ़ाते, अब 11th थोड़ा सा फ्री माइंड रहेगा, जैसे अमीना का अभी 1 साल 11th में थी तो फ्री रही, उसको मैंने ना बोला पढ़ने ना कुछ, वो खुद पढ़ती थी एग्जाम के टाइम में, जो करी है नहीं करी है मुझे नहीं पता अभी। अभी क्या बोलूँ आप लोगों को, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊंगी आगे, मैं अभी लेट हो गई, नमाज पढ़ूंगी, नमाज के बाद इसके पापा आ जाएंगे, खाना लगाऊंगी और देखूंगी पारे पढ़ने हैं, थोड़ा सा बच्चा है 4-5 पेज, मेरा 6वां पारा चालू हो गया, तो वो बचेगा तो वो तो मौका मिलेगा तो वो पढ़ लूंगी, और अगर नींद आई तो सो जाऊंगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। फ्रेंड्स तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी तीसरे मतलब कल का जो व्लॉग है वो इतना लेट आया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, बस वो इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से ना जो स्टार्टिंग का टाइटल चेंज हुआ है ना मेरा, वो मिसप्लेस हो गया था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, वो अभी आया था उसने बताया और मैं अब डाल रही हूँ वो, तो ठीक है यार। मेरा ये जो नया जो मैंने चेंज किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा रमज़ान में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी से जल्दी, 8 सब्सक्राइबर बढ़े हैं 3 दिन में, नहीं 1 ही दिन में बढ़ा था, काहे को छोड़ो, चांद रात के ही दिन 8 सब्सक्राइबर बढ़े थे। फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह ज्वाइन होते रहिए, सबको करते रहिए, और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
और कमेंट भी किया कीजिए कि क्या नहीं, हाँ क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या पसंद आता है नहीं आता है। तो कुछ आइडिया आप लोग भी दीजिए कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। और सैमी फातिमा सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू आपका बहुत, आप हमेशा मुझे करते हैं कमेंट। उसके अलावा हिना बाजी, आप लोग, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मिलने की एक ख्वाहिश है जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस साल मैं आपसे मिलूँ। आप आए थे नागपुर पर मैं उस वक्त बिजी थी तो मैंने आपको कॉल वॉल नहीं करी, मगर मैं इंशाल्लाह इस साल आपसे मुलाकात की उम्मीद रखती हूँ। और आप देखें मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।